रविया नित राम तरत सुहावी सफल थान पूरन पै काम पौ नाठा भ्रम मिट गया रविया नित राम साध जना कै संग बसत सुख सहज विश्राम साई घड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाउ प्रगट पै संसार में फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति काट काट सब जान प्रगट पै संसार में फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति काट काट सब जान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहेगुरु ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसमार था अगंत अतुल्य ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोले एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखहु शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखहु शरण गरीब नवाज सतगुरु जी
चौर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोच सबाए मान सतगुरु जी दी अति सत्कार जो सार संग जी आप हो श्रेष्ठ भागों वाले हो जिन्हां नूं गुरु रामदास सतगुरु जी दे पावन सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे पावन दर्शन दीदार करन दा इशनान पान करन दा श्रेष्ठ समा मिलिया है। कीर्तन सुन दा ये संजोग प्राप्त होया है। और जो सतगुरु जी सानू नितनेम दे नाल अमृत वेले पावन उपदेश अपनी मुख वाक तो बख्शिश करते हैं और संगत सरवण कर दिया हैं। उस पावन उपदेश की कथा विचार आप गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे सरवण करते हो। सो कुछ समा प्यार सहित आप गरीब नवाज के चरणों च अरदास बेनती करिए। महाराज सानू बल उद्दम बख्शिश करन समर्था देन तां कि उस मालक दी कथा विचार कह सुनिए। कहन दा सुन दा वो बल बख्शिश करन असी सारे अखबारां फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। बिलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान पूरन पै काम। सतगुरु गरीब नवाज शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी दे बोहे था जिन्हां ने साडे ते महान परपकार किया है। गरीब नवाज सतगुरु जी सो जिन्हां दा अज पावन शब्द असी श्रवण किया है बिलावल राग अंदर सतगुरु जी तो गरीब नवाज जी उन्होंने साडे ते महान तरस किया है। धरत सुहावी सफल थान क्योंकि गरीब नवाज जी ने वो
थां वो धरती शोभा वाली दर्शाई है जिथे उसका नाम जपया जाता है जा उसकी जपन वाले बैठते हैं और उस तो बिना उस मालक ने किसी भी थान सफला नहीं दर्शाया है और गरीब नवाज जी ने अपनी बाणी अंदर महान बख्शिश कर दिया धरत सुहावली आकाश सुहंद जपंदिया हर नाओ ते मालक कहिंदे ओ धरती सुहावली शोभा वाली है वो आकाश शोभा वाला है सोना है क्योंकि उहदे विच नाम जपया जा रहा है क्योंकि आकाश क्यों सोना है ते नाल मेरे गुरु जी ये भी सानू समझाउंदे हन नाल ये सानू तकीद करदे हन मेरे मोहन श्रवनी ये ना सुनाए साक्त गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए ते कहिंदे मेरे मोहन हे मेरे प्यारे मेरे कन्ना च एहो जे बोल ना पाए जान क्योंकि उसने धरती नूं भी माड़ा बनाउणा है उसने आकाश विच भी गंद पाउणा है क्योंकि उहने वाइब्रेशन नूं माड़ा बना देना है जिवें आपां अज आप आखदे हां कि प्रदूषण पैदा होया है वाइब्रेशन जां आपां आने कि जड़ा आला दुआला है वह गंदला हो रहा है धुएं का प्रदूषण है जा आवाज का प्रदूषण है तो एक प्रदूषण है जड़ा साडा बोल है आवाज का तो बोलों का प्रदूषण की है जेड़े भैड़े बोल हैं तो गरीब नवाज जी ने ता ही आख्या कि जेडे साडे बोले हुए बोल जड़े हैं वो आकाश पकड़ लेंदा है जेड़ी आवाज आकाश जांदी है वो आकाश नू गंदला बना बना देंदी है तो महाराज जी ता ही आखते हैं कि वह धरती जड़ी वो साफ हो जाती है उसकी वाइब्रेशन वधिया बन जाती है जिथे मालक दे गुण गाए जान ते तां ही महाराज जी कहिंदे हन जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे ओ थान शोभा वाला है ओ सोना हो जांदा है गुरसिखी सो थान पालिया लै धूर मुख लावा और वो थां सिख पालदे हैं वो थां शोभा वाला है और जिहड़े थां ते उहदा मालक दा नाम ना जपिया जाए महाराज जी होर बाणी च आखदे हैं जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थिर सोइन चौबारे कहिंदे वो थां ते जिथे नाम जपिया जांदा है वो चाहे आम थां होवे भावें वो अस्थिल हुंदे जिथे घोड़े घाड़े बंधे जाण आम कोई वधिया थां ना होण कोई आम सधारण जिहा थां होवे ते गुरु महाराज जी कहिंदे मेरी नज़र चो सोने दे महल माड़ियां हन उहनां कोई सोने दे महल माड़ियां नूं वधिया नहीं आखिया पर कहन लगे
जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जीओ। पर कहिंदे जिथे मेरे गोविंदा नाम नहीं जपिया जांदा, असल चो उजाड़ बियाबान है, वो उजाड़ है मेरी नगर दे विच। वो चाहे वसदा रसदा शहर क्यों ना होवे, भगत जी अपनी बाणी विच एक शब्द आखदे हन कबीर जी, उन्हां नूं किसे उन्हां दे साथियों ने आख्या कबीर जी आओ एक थां ते बड़ा मेला लगा है, जिवें अज कल कहिंदे फलाणे थां एक सभ्याचार मेला है। कई बार अज एक उन्हूं असीं सभ्याचार दा नां दे दित्ता जांदा है। उत्थे एक असी गाउण वजाउण वाला करोड़ां रुपईआं च बुला लैंदे हन, लखां रुपये दिते जांदे हन, ढोल वजाए जांदे हन, भी इह सभ्याचार है। जदों कोई साडा कल्चर नहीं है, असीं उहनूं साडे कल्चर नाल जोड़दे हां पर उह साडा नहीं है। ते उहदे च गाया वजाया जांदा है, नचाया जांदा है, बोल बोले जांदे हन, उसे तमाशे होंदे हन। ते भगत जी कहण लगे भी मैं उत्थे की करनी, कहिंदे आ जाओ आपां घूम घम के वेखदे हां। और कबीर जी कहिंदे गए आंदे मैं वो सारा मेला घूमिया देखिया। घूमण तों बाद एक साइड ते मैं देखिया, कहिंदे एक रब दा प्यारा मैनूं एक मिलिया सारे मेले विचों कोई लभण। उन्हां एक सलोक लिखिया, कबीर जय जय हों फिरियो कौतक उठाओ उठाए, एक राम स्नेही बाहरा ऊजर मेरा पाए। वो कहण लगे जिथे भी मैं फिरिया हर थां ते तमाशे सी, गाउण वजाउण सी, नाचताप सी। ते कहण लगे मेरी भादा उत्थे होर कुछ भी नहीं सी, एक राम स्नेही बाहरा, एक रब दे प्यारे तो बिना। कहण लगे मेरे भादा वो उजाड़ ही सी सारा कुछ जिहड़ा सी, एक राम स्नेही बाहरा। दुनिया दे भादा मेला होएगा पर मेरे भादा ऊजर मेरे पाए। सिख की नज़र च संगत एक आनंद है, पर ओदी नज़र च जे कोई बंदा आखे मैं मेला वेख के आया, फिर वह सिख नहीं हो सकता है। वह तो उजाड़ वेख के कह सकता भी आया है, तो जे भी वह तो दुबदाना हो सकता है आखे भी मैं मेला वेख्या, वो ये तो कह सकता भी मैं उजाड़ वेखी, मैं वेख्या कुछ नहीं। वो कहिंदे मैं तो उजाड़ भी आ मां नहीं वेख्या। हुण गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्हां दी बाणी असीं गाउंदे हां, गरीब नवाज सतगुरु जी, क्योंकि उन्हां ने माण दिता है नाम जपण वालिआं नूं। दीन दुनी दे मालक तरन तारन साहिब जी दी पावन धरती तों तुरदे हन, सिखां दे नाल जांदे हन, और बाबा बुढ़ा साहिब जैसियां हस्तियां, भाई बहलो जैसियां हस्तियां नाल चलदे हन। कहिंदे अज गोइंदवाल साहिब नूं जाना है, आओ चलिए। साडा इक प्यारा गुरसिख याद करदा है, ते तुरन दे नाल तुर के जाना पैंदा सी, रस्ते कोई ऐसे नहीं सन। चलदिया चलदिया खान रजादा पिंड, अज खान रजादा नहीं है उत्थे, अज छापड़ी साहब पिंड है, रजादा रजूदा तो नहीं उत्थे रहा, खान रजादा तो नहीं है, वो तो उजड़ गया थे रह गया, पर छापड़ी साहब रह गया उस गुरसिख दे नां ते। फतेहाबाद दे नेड़े नगर है। इत्थे जा के शाम का समा होया, महाराज जी कहिंदे नगर देखो कोई घर, पर लोग अपनिया आनंद कौतक तमाशियां किसी ने थां ना दिता।
एक सिख है भाई हेमा टुटी जी झौंपड़ी है पर बंदगी जुड़िया होया किरत करके आम सिटे चुक के गुजारा करके किरत करके छकन वाया बंदगी जुड़िया होया चार प्रसादे तैयार करता है आए गया दोष कमा दो आप छकदा तो गरीब नवाज जी रात नूं उहदी टुटी हुई झौंपड़ी च जाके बैठ गए है कोई होर अमीर ज्यादा हुंदा कहिंदा वी मैं इस गरीब को की लैणा अज कोई हुंदा कोई तनाड़ हुंदा होर कोई ते उहनूं चा चढ़ गया उह निहाल हो गया ये है सिख ते गुरु दा प्रेम है और उसने अगे महाराज जी दे रुखे मिस्से प्रसादे रखे महाराज ने प्रसादे छके कहिंदा महाराज जी बैठो मैं जल लियावां कहिंदे भाई हिम्मा जल दूर होएगा कहिंदे जी मैं पानी तां जरूर लियावांगा कहिंदे भाई इत्थों ही पानी लाए इत्थे पानी नहीं कहण लगा इत्थों तू मिट्टी पुट पानी निकल आएगा एक ढेम उन्हें एक मिट्टी दी थोड़ी तां पुट्टी जल उत्थों प्रगट होया उत्थे अठ नुकरा एक सरोवर बनिया काफी जल इकट्ठा हो गया अज उत्थे सरोवर है उहदे प्रथाए एक पंक्ति उचारी महाराणी बिस्ता टूपती झूंपड़ी चीर सब छिन्ना जात न पत न आदरो उदयान परमिन्ना मित्र न इठ न रूपहीन साध न छिन्ना तो महाराज जी कहिंदे हन तो उहदे पास वेखो कोई सोहना रूप ढंग नहीं है कोई वस्त्र नहीं कोई उहदा मित्र सज्जन कोई ना होवे राजा सगली शिष्टकार नाम मन भिन्ना वह दुनिया का राजा है तो उस धरती नूं मान दिता तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना मालक खुश हो जाता है तो महाराज जी कहिंदे हन भला भली सहावी छापड़ी जा मैं गुण गाए कित ही काम न धौल हार जित हार बिसराए कहिंदे छापड़ी सोहनी है भाई हिम्मा पर वो वड़े वड़े धौलर किसी काम नहीं जिथे रब का नाम नहीं जपया जाता वह हुमे वाले वड़े वड़े आदमी किसी काम नहीं है पर एक गरीब जड़ा है रब का नाम जपन वा वह वड़ा है जिहड़ा किसी का माण करता है जिहदे च हउमे नहीं है और गरीब नवाज जी ने उन्हें माण दिता है गल ना लाया है भाई हिम्मा असल तेरा जीवन उच्चा है महाराज जी कहन लगे असल तू गुण गाउण वाला है गरीब नवाज जी कहिंदे थां सोभा वाला है ते महाराज जी कहन लगे कहन के धरत सुहावड़ी आकाश हुंदा जपंदिया हर नाओ कहन लगे आकाश उहदा चिदा आकाश सोभा वाला है वो असल च बुद्धि रूपी धरती भी सोभा वाली है वो तन रूपी धरती भी सोभा वाली है और हिरदा रूपी थान भी सोभा वाला है वो जड़े तन दे जड़े इंद्रिय साडे हन अखां हन कन है नक है सोभा वाले बन जाते हैं सारे अंग ही सोभा वाले हो जाते हैं ते महाराज जी कहन लगे सुहावने हो जाते हैं वेखो तो वो भगत जन भी सोभा हो जाते हैं धरत सुहावी सफल थान वो जड़े भगत हैं वह भी सोभा वाले हो जाते हैं जिथे जाए भगत सुथान सुहावना सगले होए सुख हर नाम त्यावना महाराज जी कहिंदे वो भगत सोभा वाले हो गए क्योंकि नाम ते आउंदे हन वो रब दी बंदगी करदे हन ते आ धरती जिस थां ते बैठे हो धरती भी सोभा वाली हो गई जिथे सभे थाव नहीं तुद जेहे
बदह पुरख बधाते तां तू सोहया, ये भी तो शोभा वाई है। तरन तान साहब शोभा वाई धरती है, वो थां ये शोभा वाला हो गया जिथे मालक ने चरण पा दिते। जिस जिस थां ते महाराज के चरण पए वो शोभा वाली थावां बन गई। तो महाराज जी कह लगे पूर्ण पए काम, ते सारे काम ही पूरे हो गए। जान के पूर्ण होए काम, कली काल मां बिखिया मैं लज्जा राखी राम। जिथे बैसन साध जन तो सान सुहंदा, वो सेवन समर्थ अपना बिनसे सब मंदा। जिथे थां ते चरण पै जाण वो थां सोभा बन जाता है, उथे मंदा मंदा सारा नाश हो जाता है। ते महाराज जी कहिंदे धरती आपे शोभा वाई, जिथे वो पावन जिथे चरण पै जाण गरीब नवाज जी दे, जिथे उहदे प्यारे दे चरण लंघ जाण, वो थां जिहड़ी वाइब्रेशन ही ऐसी बन जाती है, वो धरती शोभा वाई हो जाती है, वो सुहावनी हो जाती है। वो थां नूं कदी लोक कई बार आपां कहिंदे मड़ियां, उहनूं कई मड़ियां आख दिंदे हन। बाबा जीवन सिंह जी कार सेवा वाले महापुरश होए हैं, जिन्होंने कई बार कई होर शब्दों वरत लेंदे हैं। तरन तारण साहब जाओ, वो डेरे का नाम माड़ी साहब बन गया, मड़िया माड़ी साहब बन गया, शब्द माड़ी साहब हो गया। और वह महापुरश सारी सारी रात खूह की मान से बह के सिमन करते रहते। उन्होंने पूछया महापुरशो भी यह खूह की कित बिस्तरे च बह के जपया करो। कहें भी शरीर यहोजा नींद आने लग पी है। कहें फिर की होंगे? कहें नींद आऊ तो खूह च डिग पूगा, आपे फिर जपन लग पूगा। कह लगे शरीर मिले है, श्वास मिले है, इनू जिंदगी च